खबर गरोट से। भारतीय किसान संघ गरोट का जंगी प्रदर्शन। किसानों के खाते में मुआवजा बीमा राशि नहीं आने से किसान आक्रोशित। किसान संघ जिला अध्यक्ष डूंगर सिंह ने भरी हुकार। कृषि अधिकारियों से किया सवाल। नकली दवाइयों के व्यापार करने वालों के ऊपर की कार्रवाई। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों के साथ हुए फसल नुकसानी के मद्देनजर उनके खाते में प्रदेश स्तर पर 1600 करोड़ की राहत राशि किसानों के खाते में डाली गई, मगर मंदसौर जिले के किसानों के खाते में राशि नहीं आने से पूरे जिले के किसान आक्रोशित हो चुके हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में गरोट SDM कार्यालय में एक दिवसीय धरना देकर अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर विरोध जताया, जिसमें भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष डूंगर सिंह द्वारा सभा को संबोधित करते हुए कहा गया कि कृषि विभाग द्वारा कितने नकली दवाइयों के व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की, इस विषय में प्रश्न किया गया। इस प्रश्न पर उपस्थित किसानों द्वारा कहा गया कि कृषि विभाग द्वारा लेन देन कर नकली दवाइयों के व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सभा को किसान नेता श्याम सिंह ने बताया कि जिले के किसानों को 25% मुआवजा दिया गया है। इस बात को लेकर सभा में माहौल गर्म होकर नारेबाजी शुरू हो गई। माहौल गर्माता देखकर सभा में उपस्थित SDM RP वर्मा और किसान पदाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी से बात करवा कर माहौल को ठंडा किया गया। अपनी मांगों को लेकर किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा चक्का जाम करने की कोशिश की गई, मगर ASP महेंद्र ताणेकर के कुशल मार्गदर्शन में सजग थाना प्रभारी शिवांशु मालवी, ASI मूलचंद धाकर, अनिल यादव, अर्जुन परिहार की संयुक्त टीम ने चक्का जाम की स्थिति को संभाला और अपनी सूझबूझ और समझदारी से किसानों को समझा बुझाकर स्थिति नियंत्रित किया गया। गरोट से संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। ज्यादा पानी गिर गया था, बाढ़ आए थे, उनका पैसा दिया। मुआवजा का आइडिया मेरे को, पर यह है कि बाढ़ में जो नुकसान हुआ है उसका पैसा उनको दिया है। सर, आपका पानी 2019 में भी गिरा था और उसका बीमा भी मिला था। इस साल की बात है आखिर में कैसे बाढ़ आई, नीचे कैसे आखिर में कैसे बाढ़ आई, किचन में कैसे बाढ़ आई, किचन तो आखिर में कैसे बाढ़ आई, उज्जैन का सब खबर पर है News Plus 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल News Plus 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News Plus 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल News Plus 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप TV चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है News Plus 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल News Plus 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। News Plus 24, सच्चाई आप तक।